इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करवाने और इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आज माननीय किरण रिजिजू जी का हृदय से आभारी हूँ। भाई और बहनों, पिछले 6 दशकों से आईटीबीपी के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा में जुटे हैं। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, आईटीबीपी के जवानों ने हमेशा अपनी जान की परवाह न करते हुए उच्च स्तर पर बचाव और राहत कार्यों को अंजाम दिया है। आपदाओं के समय देखने को मिलता है, उत्तराखंड ने जब भी आपदाओं का सामना किया है तब तब आईटीबीपी के जवानों ने अपनी जान की परवाह न किए बिना लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ साथ बचाव एवं राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेडिसिनल प्लांट के जो प्लांटेशन के लिए एक व्यापक स्वरूप तैयार करना बहुत जरूरी है, तो यह उत्तराखंड के लिए बहुत काम आएगा। तो इसलिए यहाँ कॉमर्शियल यूज कैसे हो, यहाँ के विकास में क्या फायदा हो और विकास के नाम पे पर्यावरण नष्ट ना हो, यहाँ का खूबसूरती जो पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, पहाड़ है, ये खूबसूरती जो है बनाए रखे। अच्छा, हमारे टेरिक में को जितना भी सौगात मिले बहुत ही बढ़िया बात है और ये बहुत अच्छा है कि बिकॉज ये झील के वजह से ये डैम ये जो बना है, यहाँ के लोगों को जॉब भी मिलेगा, टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, टूरिज्म भी बढ़ेंगे, मेंटेनेंस होने का ज़रूरत है और बहुत अच्छा होगा। पूरा हिंदुस्तान दुनिया में भी अगर हमारा यहाँ का लेक पॉपुलर होगा तो टूरिज्म सब लोगों को पता चलेगा और यहाँ काफ़ी यहाँ के लिए फ़ायदा भी होगा। और मैं कहती हूँ कि सभी लोग, हमारे लोकल लोग जो विस्थापित लोग हैं, उन लोगों के लिए भी रोज़गार मिले, मेरा यही कहना है। और बहुत अच्छा आज का जो प्रोग्राम बन रहे हैं बहुत ही अच्छा है और पूरा हमारे लोगों के लिए। अच्छा महारानी, नहीं देखिए ये बात मैं मानती हूँ, मैं जानती भी हूँ और हम लोग ने इसके लिए भी बोल रखा है। अभी कुछ महीना पहले मीटिंग भी हो रहा है और उन लोगों के सेटलमेंट के लिए भी बात हुआ है और जल्द से जल्द ये बात हो जाएगी। और मैं मुख्यमंत्री जी, अभी नया मुख्यमंत्री जी से भी इस बात के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। थैंक यू।